ड्रिफ्ट मार जल्दी से घुमा पूरी भाई, रिस्की बहुत है यार, पता नहीं हैंडल में क्या हो गया, इसका हैंडल सही से काम नहीं कर रहा है। पानी कहाँ से आ गए? डर लग रहा है यार मुझे। आज मुझे पता चली दिल्ली की ऐसी जगह जहाँ पर आप जाकर हिल स्टेशन का मजा ले सकते हैं, वो भी 130 रुपए में। ये बना है भलसवा डेयरी के पास और ये एक छोटी सी लेक, यहाँ पर आपको बोट भी मिलेगी और आप इसके अंदर घूम के पूरी लेक घूम सकते हैं। भलसवा लेके इसके जस्ट बराबर में बोट क्लब, यहाँ पर आपको आना पड़ेगा टिकट लेने के लिए और यहाँ से टिकट लेकर सामने आप बोटिंग कर सकते हैं। काफी सारी बोट्स हैं, तो सामने से जैसे ही आप टिकट लोगे और यहाँ से अंदर आने के बाद ये पूरा प्लास्टिक का बोर्ड बना हुआ है और ये पूरा पानी पर कवर है भाई। जैसे आप इसे पैर रखोगे ना तो नीचे ऐसे ऐसे करके हिलेगा भाई, डर लगता है कि नीचे डूब ना जाए। यहाँ सारी लाइन से बोट लगी है, आप यहाँ से बोट लोगे और पूरा आप इसको कवर कर सकते हो अच्छे से। और ये है मोटर बोट, अगर आपको मोटर बोट में जाना हो तो ये अपना एक बंदा देंगे, वो आपको पूरी लेक घुमाएगा अच्छे से चारों तरफ, जहाँ भी आप बोलोगे वहाँ आपको लेकर जाएगा। लेकिन सर थोड़ा चार्ज बढ़ जाता है क्योंकि बंदा आपके साथ आएगा ना ले जाने के लिए। बढ़िया ये भी, अगर आपको पर्सनल में चाहिए तो आप वो पैदल वाली ले सकते हो, पैडल मारो, खुद को दर्द दो, दुख दो और घूमो। वरना अगर आपको सेकंड ऑप्शन चाहिए तो आप ये मोटर वाली बोट ले जा सकते हो। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको प्रॉपर हिल स्टेशन का मज़ा लेना है तो आपको कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, जैसे सामने वो कूड़ा पड़ा है, उधर घर दिख रहे हैं। तो हिल स्टेशन का मजा चाहिए तो इतना तो इग्नोर करना पड़ेगा ना, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। लेकिन बढ़िया है, जो भी है मस्त जगह भाई। ये स्कूल के बच्चे बंक मार के आते हुए, तो अब यहाँ से शुरू होता हमारा बोटिंग का सफर और आज हम पहली बार बोटिंग करने वाले हैं। तो जैसे ही हम बोट लेकर लेक के अंदर आते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद हमारी बोट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, बोट का स्टीयरिंग घूमना बंद कर देता है और ऐसा लगता है जैसे बोट पानी के अंदर डूबने वाली है। तो मैं और मेरा भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तभी हमारी बोट का हैंडल घूमना बंद कर देता है। हैंडल नहीं मुड़ता, स्टीयरिंग खराब हो गया। ड्रिफ्ट मार जल्दी से घुमा पूरी, हैंडल में कुछ हो गया इसके। ये सही में कैसे नीचे से डूब रही है, सही में हैंडल नहीं मुड़ता इसका, सच में यार डर लग रहा है यार मुझे। घबरा मत, पैर मार। हाँ पास मिले भाई, रिस्की बहुत है यार, पता नहीं हैंडल में क्या हो गया, इसका हैंडल सही से काम नहीं कर रहा है। चल पास मिले, उसके पास ले जल्दी से, बाहर स्पीड वाला। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं यार, बहुत डर लग रहा है इसकी बोट में यार, मजा नहीं आ रहा। तो पानी भी लीक हो रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ पानी कहाँ से आ गए। अब उसको बोल दूसरी बोट दे यार, पता नहीं कैसे चल रही है, इसमें डर लग रहा है। और मैंने उससे पूछा अभी तक कि भाई ये गहरी तो नहीं है, कह रहा भाई बहुत गहरी है, उनने ऑर्डर आ दिया। गेयर डाल दूसरा डाल गेयर, एकदम से नहीं घूमेगी। चलो बोट सही है मतलब हमारी, लेकिन हम तो चलाने में नहीं आ रही है भाई, पहली बार चला रहे हैं ना भाई। मात्र 130 रुपए में तुम हिल स्टेशन का मजा ले सकते हो यहाँ पे बस। हाँ, तुमको खाली इस जगह नहीं देखना है, डर लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन भाई मजा आ रहा है, जगह बहुत मस्त है। खजूरी 20 रुपए। मुस्तफाबाद बैठा लू, 10 रुपए सवारी, 10 रुपए। क्या मस्त व्यू आ रहा पीछे से भाई, एक नंबर। जहाज छोड़ दिए बोट, पैरों में दर्द हो गया यार, बस बहुत बहुत हार्ड चल रहा है यार, कितनी देर तक बंदा इसमें पैर लगाएगा। भाई इसने बोला था कि बोट डूबेगी नहीं, पूरी गारंटी है बोट की। अब गाड़ी घुमा ठुकना जा। मन तो बहुत कर रहा है इसको दूर लेकर जाऊं, लेकिन यार डर लग रहा है कहीं बोट डूब ना जाए या कुछ हो ना जाए इसके अंदर। बाकी लोग तो बहुत दूर लेकर जा रहे हैं अपनी बोट को, देखो एक वहां से निकल लिए नई बोट, एक बोट वहां, बहुत दूर सब बोट है, पता नहीं क्यों। लेकिन यार मेरे को डर लग रहा है भाई, मैं तो नहीं ले जाऊंगा। सामने वाली बोट में ठोक दूं, बोलो दोस्तों।
मार दूं। घुमा 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 बोट घुमा फिर दूर लेकर चलने में थोड़ा सा लेकर चलने सब लोग जाते रहे अपने भी चलते हैं। तो मुझसे ही मेहनत करवा जा रहा है यार, पैर नहीं मार रहा है। सीधा निकलेगी अभी गोवा के बीच पे, बोट को ले जा रहे सीधा गोवा भाई। उधर से चला तो मैं इधर से चला दूँ, ठीक है? हैंडल सही से संभाल लियो, स्टीयरिंग संभाल लेगा ना। चल मैं उधर ही आ दो, रुक बैलेंस अभी कर दे। चलो मोटर वाली होती ना तो मजा आता है यार, मोटर वाली नहीं है यार। पैर में कब तक बंदा मारेगा, दर्द हो रहा है भाई पैर में। एक तो फ्री भी नहीं चल रहा भाई, बहुत टाइट चल रहा है यार उसको, धक 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 इतना दर्द हो रहा है पैर में। दिल्ली पर्यटन थोड़ा उधर की तरफ चल रहे हैं, पीछे की तरफ वहाँ पे और पटरी वगैरह है वहाँ पर चलते हैं। घुमाए तो बार बार घुमाना पड़ रहा है, तो लोड पड़ रहा है। अगर आप कभी भी आओ ना किसी के साथ यहाँ पर, कम से कम चार लोग आना, बोट में भी चार लोग का स्पेस है। दो बंदे भाई थक जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, जैसे हम लोग थक चुके हैं। चार लोग आओगे, दो बंदे चलाएंगे, दो बंदे मजे करेंगे, दो बंदे चलाएंगे, दो बंदे मजे करेंगे, ये बेस्ट रहेगा भाई। व्यू तो यहाँ से बहुत मस्त आ रहा, सामने से सनसेट सीधा मुंह पर, सनकिस और सामने समुंदर जैसी फीलिंग। ये व्यू यहाँ से बहुत मस्त आ रहा भाई, सामने सनकिस। ये लेक इतनी गहरी है भाई, मैंने बाहर पूछा था उनसे, वो बता रहे थे लेक तो थोड़ी गहरी है, लेकिन हाँ तुम्हारी जो बोट है वो सेफ रहेगी। अब उनके कहने से क्या यार, कुछ भी हो सकता है। बोट हमें दी थी आधे घंटे के लिए, तो हमको 4:10 पर बाहर निकलना है और अभी हमारे 10 बचे हैं। अब 10 मिनट में क्या कर सकते हैं, दूर जाएंगे तो टाइम हो जाएगा, तो चलो पास में ही चलाते हैं और देखते हैं। 10 भाई आपके पास केवल 10 है, आप क्या कर सकते हो 10 के अंदर, सोचो सोचो सोचो। ₹10 घूमोगे भाई, घूमोगे? 10 टिकट है बताओ। 130 में मैं लेकर आऊँ, 10 में तुम्हारी नहीं। मछली है इसके अंदर, मछली मगरमच्छ। पानी कितना गंदा हो रहा है यार, है नाली तो नहीं है कहीं? पानी सूंघ के देखिए बदबू आ रही है, पानी सूंघ के बदबू आ रही है। पानी में तो बहुत बुरी बदबू आ रही है भाई, पर नदी है नाला है। अबे तो क्या हो गया, हाथ साफ कर दिया तो? तू कह रहा था नदी है, कड़ी बुरी बदबू आ रही है पानी के अंदर तो। 130 में क्या ही मिलेगा यार, कोई नहीं ये भी एडजस्ट कर लेना, लेकिन चीज बहुत बढ़िया है, मैं फिर कहूँगा जगह बहुत बढ़िया है। मात्र 130 8 हमारे पास केवल 8 है, 8 के अंदर हमें बोट देनी है। अगर इस बोट को वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, और दूर ले जाए वहाँ पर कहीं ले जाए, खड़ी कर दें फिर। अब टाइम हो गया हमारा पूरा, 4 बचे हैं, अब जाकर दे देते हैं अपनी गाड़ी को। भाई थक गए बहुत ज़्यादा, पैरों में दर्द हो गया है, चलते हैं। दिखाओ सामने वो रही, यहाँ पर हमारा आ गया, ये स्टैंड है बोट का, ये को जाके हैंड ओवर कर देते हैं इनकी बोट। जल्दी जल्दी तेज तेज स्पीड दिखा, कितनी तेज चला सकता है। उधर पार्किंग में लगानी है, चल 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 घुमा घुमा पार्किंग में लगानी है। चलो 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 हाँ पार्क करनी है हमारी गाड़ी, और यहाँ पे आ गए। अबे गाड़ी आ गई, चलिए पार्किंग में रुक 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 रुक, पीछे लेना पड़ेगा रिवर्स गियर डालो। चलो चलो पीछे जान दो, पीछे जान दो, लगाना भाई। हाँ यहीं पे लगाना, हाँ यहीं पे बीच में सेंटर में पार्क करनी है। हैंडल कहाँ जा रहा है, गाड़ी हैंड ओवर हो गई इनकी, सॉरी बोट जा भाई। चलो भाई बहुत जल्दी बोटिंग, चला भी नहीं आ रहा मेरे को तो, मेरे तो पैर में दर्द हो रहा है भाई। ये वाली बोट तो हमने देखी नहीं थी, चप्पू वाली, सिंगल बंदा चप्पू चला रहा है, ये बढ़िया भाई। अकेला बंदा भगा रहा, डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी, पतली सी बोट देखो ये रहा। ये पतली वाली बोट है जो सिंगल बंदा चला रहा है उसको, ये तो हमने देखी नहीं थी, अभी आई है बिल्कुल, पता नहीं कहाँ से आया बंदा ये लेकर। और अगर आपको यहाँ पर खाली घूमना और बोटिंग नहीं करनी है, तो यहाँ पर वॉक करने के लिए एक एरिया बना रखा है, यहाँ पर आप चल सकते हो और यहाँ से सारे व्यू का एंजॉय कर सकते हो। ये पूरा एरिया इसीलिए है वॉक करने के लिए। तो बोटिंग करके तो हम आ गए, और आ गए दूसरी साइड जो कि है एक पार्क। यहाँ से भी आप अगर व्यू का एंजॉय करना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ बिना बोटिंग करे। बोटिंग करके हम आ गए और हम बहुत ज़्यादा थक गए, मेरे पैरों में दर्द हो गया। अब तो मैं जा रहा हूँ घर और करूँगा अपना आराम। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। थैंक यू सो मच।